बिना मेरा रक्षा बंधन। बलवंत के बारे में आपको जो कुछ भी पता है ना, बताइए मुझे। लखनपुर नाम का एक गांव है, जहां यो आदमी हमें मिला था। उस गांव में जाने पर इस आदमी की असली पहचान हो सकती है। सड़क जी, आप वही रहिए और बड़ी मालकिन का ख्याल रखिए। मैं हूं यहां, सब संभाल रहा हूं। कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है? भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अगर मैंने लाडो को सच बताया कि मैं उस बेरुपये का सच पता लगाने लखनपुर गांव जा रहा हूं, तो इसके दिल को फिर ठेस पहुंचेगी कि मैंने अभी भी उसको अपना बापूसाना माना है। वो हमारे खेतों में जो पानी की मोटर है ना, वो खराब हो गई है। उसको ठीक कराने के लिए मैं शहर लेके जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। नहीं भाई साहब, जब पिछली बार आप गए थे तो चकोरी मासा के आदमियों ने आपको निशाना बना लिया था। अगर बापूसा नहीं आते तो मुझे लगा था जैसे मैंने अपने भाई साहब को खो दिया। आपको मेरी सौ भाई साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे। अब क्या करूं मैं? सच सामने लाने का एक यही आखिरी तरीका था मेरे पास कि मैं लखनपुर जाऊं। और मैं चली जाती हूं शिवा। अगर इतना ही जाना जरूरी है शिवा, तो तुम्हारे बदले मैं चली जाती हूं। और वैसे भी शिवा, रसाल को तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। अब अगर रसाल चाहती है कि तुम यहाँ रहो, तो तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मान ली तेरी बात मैंने, अब खुश जाके आराम कर, इतना परेशान ना होकर जा। एक लड़की आई है लखनपुर में, बलवंत से जुड़े सबूत मांग रही है। सुन, जमीन आसमान एक कर दे, उस लड़की को एक भी सबूत ना मिलना चाहिए। शिवा, मुझे अच्छे से पता था तू कभी बाज ना आएगा, इसलिए अपने आदमियों को मैंने पहले ही लखनपुर भेज दिया था। कोई सबूत ना मिलने वाला तुझे। पापूसा की आंखों के आगे झूठ की बहुत बड़ी दीवार खड़ी करी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें सच समझ नहीं आ रहा। पिछली जिंदगी तो उन्हें याद ही नहीं है। बेचारे ब्याह करने से मना भी नहीं करता। कैसे करेंगे? चकोरी मासा से मिले जो हुए हैं, पर मैं तुझे ये बात बिना सबूत के कभी नहीं कह सकता। और सबूत के लिए मुझे मेनका जी तक पहुंचना होगा, पर मैं यहाँ फंस चुका हूँ, क्या करूँ?